हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो so, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर की इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड यस उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है आई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देन आप स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो फ्लायर्स देख रहे हैं नोटिफिकेशन तो इसमें आप पी ऑप्शन भी देख सकते हैं उसके बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर एडमिशन ऑप्शन आपको दिख जाएगा इसमें मेंशन है दैट पोर्टल ऑलरेडी ओपन है एंड यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स आप चाहें तो मेन्यू डैप के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं या उस फ्लायर पर भी क्लिक कर सकते हैं बट अभी हम डायरेक्टली क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे फॉर मोर डिटेल्स सो ये वाला जो वेब पेज है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आई विल ट्राई की प्रोवाइड कर दूँ यहाँ पे बाकी इन्फॉमेशन है ठीक है सो so, कैटेगरीज में देखिए सारी फुल टाइम पार्ट टाइम अवेलेबल हैं स्पॉन्सर्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है पार्ट टाइम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर पी एच डी है विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप एंड इंडिविजुअल फेलोशिप के साथ भी आप है अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं राइट बाकी डिटेल्स हम अभी ब्रोशर में देखेंगे डिसिप्लिन भी हम ब्रोशर में देखेंगे वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर की यहाँ भी सीट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितनी सीट्स हैं बट येस मेरा सजेशन यही है कि अप्लाई करने से पहले वेब पेज पे ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा आपके डिपार्टमेंट के एंड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे कितने स्कॉलर हैं क्या फैकल्टी प्रोफाइल दैन उनके एरियाज ये सारी इन्फॉर्मेशन ये सारी जो भी डिटेल्स हैं उन्हें देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रोसेस लिखा है सो स्क्रीनिंग होगी बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो कि आप प्रोवाइड करेंगे तो प्लीज़ उसे सही भरिएगा एंड अनदर रीजन कि क्यों सहीफल करना है ये है कि गलत करने के बाद कोई भी रिक्वेस्ट जो है किसी भी रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंज करने के लिए उसे एंटर इन नहीं किया जाएगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे एंड एप्लीकेशन फ़ी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि अगर गलती है तो फिर आप डी से उसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे राइट सो आई मीन प्रूफ नहीं दे पाएंगे नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फ़ी सो ऑलरेडी नो कि अप्लाई ऑनलाइन ही करना है एंड एप्लीकेशन फी वन थाउजेंड है अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यू एस एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए एंड फाइव हंड्रेड है फॉर एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी एंड विमेन कैंडिडेट्स सो विमेन कैंडिडेट्स आप किसी भी कैटेगरी के हो आपके लिए 500 हंड्रेड अपलीकेशन फी है देन आप की जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी फॉर्म्स हैं सर्टिफिकेट्स हैं उसके फॉर्मेट है तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सो आप इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अभी हम देखेंगे लास्ट डेट की बात करें सो so जैसा पहले बोला एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्टिव है जो लास्ट डेट है वो है सेकेंड ऑफ नवंबर ट्वेंटी अगर आप प्रोजेक्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो वहाँ पे एंड टू इयर्स हो गए ये वाला कुछ कंडीशन है सो so, उस केस में आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो आपको नहीं सबमिट करनी राइट एंड हार्ड कॉपी पहुंच जाए उसकी लास्ट डेट फोर्थ ऑफ नवंबर है देन रिटर्न in, जो इंटरव्यू होंगे उसके डेट्स की बात करें सो टू टू सिक्स ऑफ दिसंबर है एंड इसी के बीच हो जाएगा देन एडमिशन डेट है राइट नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं सो स्टेप वन ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर विद ई मेल आई डी एंड देन यू आई कैन लॉग इन एंड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी दैट यू हैव टू फिल नेक्स्ट स्टेप टू विल बी पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन एंड स्टेप थ्री विल बी दी प्रिंट राइट सो आप प्रिंट ले सकते हैं आफ्टर फाइनल सबमिशन सो दैट कभी भी इंफॉर्मेश जब आपको सबमिट करने को बोला जाए तो आप सबमिट कर सकें ठीक है या तो आप सेव करके रख सकते हैं बट मेक श्योर कि आप उसे संभाल कर रखें ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो आप इन्हें इस ई मेल आई डी पर मेल कर सकते हैं देन यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है जब भी हम डिस्कस करते हैं आर टी खड़गपुर के नोटिफिकेशन उसके बाद जब लिस्ट आती है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम कहाँ से देख सकते हैं क्योंकि जो लिंक मैं प्रोवाइड करती हूँ वो ओपन नहीं होती या आपको ऑप्शन नहीं दिखता तो मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि वॉट यू हैव टू डू इज़ इसी वर्टिकुलर वेब पेज पर पे आपको आना है ये जो ऑप्शन दिखता है ना आपको अप्लाई ऑनलाइन का राइट तो आपको इसी पे क्लिक करना है अभी क्योंकि लिस्ट नहीं आई है अभी जो फॉर्म्स हैं वो एक्टिव हैं तो आप यहाँ से आ, देख सकते हैं कि यहाँ से रजिस्टर करना है बट जब लिस्ट आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे आपको शॉट लिस्टेड कैंडिडेट्स या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा एंड उसके थ्रू आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे यस yes, बाकी गाइडलाइंस भी हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एंड ये गाइडलाइन सेम जो है ब्रोशर में भी है एंड में राइट सो चलिए अब हम इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखते हैं बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सो so यस yes, ये है इन्फॉमेशन ब्रोशर पी एच डी एडमिशन स्प्रिंग सेमेस्टर सबसे पहले टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स हैं तो आप देख सकते हैं कौन सी इन्फॉमेसन किस पेज पे है देन कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं हम अभी डिपार्टमेंट्स के नाम देखेंगे आगे जहाँ पे एरिया या आई थिंक ई मेल वगैरह प्रोवाइड की गई है तो हम इसे यहाँ पर स्किप करेंगे ये इनफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है वेबसाइट पर ओके एमिनिटीज़ क्या है फैसिलिटीज़ क्या है वो सारी इन्फॉमेसन यहाँ पर है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा देन पी एच डी प्रोग्राम राइट सो रिसर्च एरियाज के लिए देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट स्कूल एंड सेंटर्स सभी के सामने लिंक दिया हुआ है जिस भी इन डिपार्टमेंट सेंटर या स्कूल में आपको इंटरेस्ट हो उसके यू आर एल पे जाइएगा एंड डिपार्टमेंटल जो भी वेब पेज है उसको देखिएगा इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा एरियाज देख लीजिएगा देन करेगा अप्लाई करना है या नहीं ओके okay. डिपार्टमेंट्स की बात हम करें तो देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग है देन एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग है देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट इज केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री देन सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देन जियोलॉजी एंड जियो जियोफिजिक्स then humanities and social sciences industrial and systems engineering mathematics then mechanical engineering metallurgical and materials engineering ocean engineering and naval architecture then physics right centers ki baat so centers mein first center is advanced technology development then center for oceans rivers atmosphere and land science then cryogenic engineering next is center of excellence in affordable healthcare, material science and rubber technology schools may first स्कूल एज डी एस सान्याल स्कूल ऑफ़ टेली कम्युनिकेशन दैन राजीव गांधी स्कूल ऑफ आई पी लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड लास्ट इज विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया है सो so, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है राइट right? जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए या सी जी पी ए है तो सिक्स पॉइंट फाइव हो अगर आपकी जो डिग्री है वो इंजीनियरिंग साइंस कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ या इक्वलेंट में है उस केस में सिक्सटी परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड है बट ऑन द अदर हैंड अगर आपकी जो डिग्री है वो एच एस एसमन ह्यूमानिटी सोशल साइंस में है या एम बी बी एस डिग्री है या इक्वेलेंट है तो उस केस में फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स या सिक्स जी पे है तो भी आप एलिजिबल होंगे राइट आगे बहुत कंडीशन और भी हैं तो पहले उसे देख लेते देख लेते हैं हम एंड आप भी उसे देख लीजिएगा तब डिसाइड करिएगा राइट सो so, यहाँ पे थ्री पॉइंट टू ए एंड बी लिखा हुआ है तो अब हम बात करेंगे उसकी उससे पहले अगर अभी आप अपियरिंग हैं तो अप्लाई तो कर ही सकते हैं आप एंड मार्क्स केस के केस में आपको सेवेंथ सेम तक का मार्क्स एंटर करना होगा और बी टेक एट सेमेस्टर में इसी तरह से एम एस सी एम टेक में जो भी लास्ट आपका सेम है उस तक के पूरे आपको सी जी पी ए या परसेंटेज जो है वो मेंशन करने होंगे कन्वर्ट मत करिएगा सीच बी है तो उसी में मेंशन करिएगा परसेंटेज है तो वही प्रोवाइड करिएगा राइट बाकी ये जो पॉइंट्स हैं एक बार देख लीजिएगा नाउ हम बात करते हैं दो टेबल्स की जो कि हैं थ्री पॉइंट टू एंड बी मेन जो आ, वाई दो टेबल्स यहाँ पे गिवन है सो बेसिक डिफरेंस यही है कि थ्री पॉइंट टू ए में जो डिग्रीज हैं इनमें से अगर कोई डिग्री है तो गेट की रिक्वायरमेंट असिस्टेंटशिप के लिए नहीं है राइट एंड नेक्स्ट के केस में है ओके okay, उसमें भी कुछ एग्जामेशन हैं तो अगर आपकी डिग्री एम टेक है एम एस है एम ई है एम एस सी है एम फिल है टू ईयर वाला या एम आर का एम सी पी एम आर पी एम बी ए पी जी डिप्लोमा है मैनेजमेंट में टू ईयर वाला एंड वो है आफ्टर कंप्लीस ऑफ इधर बी टेक और एम एस सी और एम ए और एम कॉम ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट इज एल एल एम टू ईयर का है आफ्टर या तो आपने उससे पहले फाइव ईयर का इंटीग्रेटेड एल एल बी डिग्री हो टेन प्लस टू के बाद हो फाइव ईयर की डिग्री देन एल एल एम या फिर टेन प्लस टू प्लस थ्री हो देन एल एल बी हो देन एल एल एम हो ठीक है तो एंड लास्ट है इसी के उ और डिग्री ठीक है अगर हम बी की बात करें तो बी में बी टेक है बी ई है बी एस सी है बी एस है फोर ईयर्स का बी आर्क है देन बी एस सी सॉरी एम एस सी एम एंड एम फिल है वन ईयर वाला एम बी ए है पी जी डिप्लोमा है इसमें भी बट इस केस में अगर आपने बी ए बी एस सी बी कॉम में से कुछ किया एंड उसके बाद ये डिप्लोमा किया है तो आप बी वाले सेक्शन में आएंगे नेक्स्ट एम बी बी एस डिग्री है विद विदन ईयर इंटर्नशिप देन फाइव ईयर्स का आपका इंटीग्रेटेड एल एल आफ्टर टेन प्लस टू या थ्री ईयर्स एल एल बी है आफ्टर टेन प्लस टू प्लस थ्री या इक्वेरेंट ओके अब एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो so, सबसे पहली कैटेगरी है रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप सो फेलोशिप इस कैटेगरी में मिलेगी इसमें देखिए लिखा है कि अगर आपके पास थ्री पॉइंट टू बी की कोई भी डिग्रीज हैं तो उस केस में वैलिड गेट हो या तो नेट क्वालिफ़िकेशन हो तभी आप एलिजिबल हैं इस कैटेगरी के, के लिए तभी आपको और जो फेलोशिप है वो मिलेगी देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है पीएचडी में प्रो एड, में एडमिशन के लिए जो नेट की वैलिडिटी है वो है थ्री इयर्स। तो वैसे तो नेट हमेशा वैलिड रहता है एंड गेट में ऐसा होता था हम, मोस्ट अभी तक कि गेट वैलिड होता है तीन साल के लिए बाकी गेट एक बार क्वालिफाई कर लिया तो यस आप हमेशा गेट क्वालिफाइड रहेंगे बट वैलिड गेट की बात होती है तो वो थ्री इयर्स के लिए रहता है नेट हमेशा वैलिड रहता है ओके बट यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफाई किया गया है तो ये आपको देखना होगा कि जो नेट है वो लास्ट थ्री ईयर्स में हो राइट एक बार आप मेल करके देख सकते हैं ओके नेक्स्ट यहाँ पे है जो एम्प्लॉयमेंट में है एंड पी करना चाहते हैं विद फेलोशिप एंड फुल टाइम तो उस केस में आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा करेंट एम्प्लॉयमेंट से एंड आपको रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का जो भी प्रूफ है वो दिखाना भी होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फेलोशिप थर्टी है फॉर द फर्स्ट टू ईयर्स एंड फोर्टी है फॉर द नेक्स्ट थ्री ईर्यस एंड बाकी अगर आपके पास ख़ुद की फेलोशिप है तो नेक्स्ट कैटेगरी ये है वैलिड अवार्ड लेटर होना चाहिए एंड आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए अंडरटेकिंग वगैरह आपको देनी पड़ेगी तो ये देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए आपकी फेलोशिप कैंसिल हो जाती है विद्रॉ हो जाती है जो प्रोफेशनल अवार्ड है तो उस केस में जो आई आई खड़गपुर से एडमिशन इट विल बी कैंसिल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम राइट तो इस कैटेगरी में एडमिशन अगर इंस्पायर फेलोशिप के बेसिस पे आप ले रहे हैं तो उस केस में मेनली ये वैलिड है नेक्स्ट तो है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी तो आप इसमें कंडीशन मेनली है मिनिमम टू ईयर जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हों एंड यहाँ पे है कि जो मेंशन है थ्री पॉइंट टू ए बी दोनों में ही कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं बस या नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है ओके सो यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप लेटर वगैरह सबमिट करना होगा नो ऑब्जेक्शन कम स्पॉन्सरशिप लेटर देन पी है थ्रू प्रोजेक्ट सो इसमें है मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है साथ ही साथ आप किसी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के एंड आपको पी के थ्रू जो एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होगा राइट देन है अगर आपकी जो डिग्री है बीटेक टेक बी या डुअल डिग्री जो भी है वो आईआईटी से है तो एंड एट से ज़्यादा सीजीपीए है तो उस केस में भी आप एलिजिबल हैं एंड रिक्वायरमेंट गेट की नहीं है ओके नेक्स्ट इज़ थ्री पॉइंट फोर सो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो है तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा एंड अगेन कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं एंड उसी वगैरह आपको भी सबमिट करना है एंड डिटेल्स जो है गाइडलाइंस वो आपको इस पी डी एफ के एंड में एंड अभी वेबसाइट पे भी दिखाया था तो वहाँ भी मिल जाएगी सिलेक्शन एंड एडमिशन की बात अगर हम करें तो ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे स्क्रीनिंग के बाद एंड देन रिटर्न देंगे जो कि ऑफलाइन मोड से ही होगा उससे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा थ्रू ऑफलाइन मोड ओके नेक्स्ट है फी वगैरह तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी रिफंडेबल है कौन सी नॉन रिफंडेबल है दैन कोर्स वर्क वगैरह की इन्फॉमेसन है राइट सो ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई देन यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं फॉर्मेट्स हैं वो दिए हैं देन गाइडलाइंस हैं फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ओके एंड बाकी जो भी डिटेल्स थी वो यही थी एंड वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है कुछ और क्वेरी है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं एंड तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड यस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड uh, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है एंड येस दैट इज़ इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो